नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 3 नवंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। चंद्रमा और राहु वृषभ राशि में, शुक्र कन्या राशि में, सूर्य और बुध तुला राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शनि मकर राशि में और मंगल मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति थोड़ी खराब बनी हुई है क्योंकि चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग चल रहा है। शुक्र और सूर्य नीच के हैं, बुध और मंगल वक्री है। ये खराब स्थितियां हैं। अच्छी स्थिति में बृहस्पति और शनि का स्वगृही होना जनमानस को संबल प्रदान करेगा। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष राशि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे और प्रेम पे, निर्णय लेने की क्षमता पे, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें और गंदी भाषा के प्रयोग से बचें। ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। व्यवसायिक स्तर पे आप सही चलते रहेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं। भाग्य भी साथ देगा आपका, लेकिन थोड़ा सा एहतियात जरूर बरतें। पीली वस्तु पास रखें। वृषभ राशि, आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बने रहें। कभी कभी बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, कभी बिल्कुल ऊर्जा नहीं है ऐसा फील करेंगे। स्वास्थ्य और प्रेम दोनों ही मध्यम चल रहा है और अपनों के सेहत पे ध्यान दें, अपने सेहत पे ध्यान दें। व्यवसायिक स्थिति आपकी सही चलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, चिंतित रहेंगे, अनायास भयभीत रहेगा आपका मन। स्वास्थ्य भी मध्यम है और प्रेम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों के सेहत पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा बच के पार करें। व्यवसायिक स्तर पे आप सही चलते रहेंगे। पीली वस्तु का दान करें। कर्क राशि की स्थिति आर्थिक मामलों में सही रहेगा। भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी, यात्रा में कष्ट संभव है। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ अभी मध्यम चल रहा है। अवसाद से बचें, बजरंगबली की शरण में बने रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, लाल वस्तु पास रखें, अच्छा होगा। सिंह राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा लेकिन प्रारंभिक दौर में थोड़ा खराब महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि ये नुकसानदेह है, आगे चल के वो फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम और संतान की स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। सूर्य को जल दें और पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि की स्थिति भाग्यवर्धक कहा जा सकता है लेकिन समय समय पर भाग्य में रोड़े भी अटकेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है लेकिन ऐसा होगा नहीं, सही चलते रहेंगे आप। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक तौर पे आप सही चल रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। काली वस्तु पास रखें और पीली वस्तु का कोई भी दान करें, अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए चोट चपेट लगने का भय है, थोड़ी परेशानी का समय है, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल आपको लगेगी। स्वास्थ्य आपका मध्यम है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक तौर पर आप सही चलते रहें। शनिदेव को प्रणाम करते रहें और पीली वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि की स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, थोड़ा बच के पार करें और उधर रोग आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक तौर पर उतार चढ़ाव बना रहेगा, काली वस्तु का दान करें। धनुराशि, विरोधी परास्त होंगे, रुका हुआ कार्य डिस्टर्बेंस के साथ चलता रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। पीली वस्तु पास रखें और काली वस्तु का त्याग करें, दान करें। मकर राशि, संतान पक्ष से कुछ खराब समाचार या शुभ समाचार या डिस्टर्बिंग समाचार मिल सकता है, प्रेम में उलझ सकते हैं,
व्यापारिक स्थिति में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है। बस एक दो दिन की बात है, फिर सारी चीजें ठीक दिख रही हैं, स्वास्थ्य ठीक चल रहा है आपका, प्रेम की स्थिति मध्यम है, काली जी की शरण में बने रहे। कुंभ राशि, घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, घरेलू चीजों को शांत होकर निपटाएं और अभी भूम भवन वाहन की खरीदारी पर विचार ना करें। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चल रहा है। गणेश जी की वंदना करते रहें और लाल वस्तु का दान करें। मीन राशि, आत्मबल बना रहेगा, स्वास्थ्य ठीक है, रोजी रोजगार में तरक्की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, न थकने वाली यात्रा पे निकल रहे हैं आप, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम दिखाई पड़ रही है, काली वस्तु का दान करें। नमस्कार।